हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ डबल लाइनर मेकअप शेयर करने जा रही हूँ। ये जो मेकअप है इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड इसके अलावा इसको पार्टी मेकअप भी कहते हैं, यानी कि आप पार्टी मेकअप पे डिफरेंट टाइप के लाइनर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से लगते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं। एंड ये जो मेकअप मैंने क्रिएट किया है अफोर्डेबल प्रोडक्ट से किया है। मेरे पास जितने भी रिक्वेस्ट आ गई, इसे भी ऐसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट बताएं जिससे मेकअप भी अच्छा हो एंड इसके अलावा अफोर्डेबल भी हो, एंड इसके अलावा बहुत ही अच्छा सा लगे, स्किन टोन बिल्कुल नेचुरल लगे, ज़्यादा हैवी भी ना लगे। तो आप ही इस मेकअप को क्रिएट करके बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अफोर्डेबल प्रोडक्ट जब आप यूज़ करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट अच्छा रहता है या नहीं, तो आपके साथ फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी, एंड वो भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ। तो किस तरह से ये मैंने लुक क्रिएट किया है आपके साथ शेयर करूँगी। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, नाउअडेज़ जो वेदर चल रहा है समर का चल रहा है, और समर के वेदर पे जो भी मेकअप आप क्रिएट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मसला यही होता है लेडीज़ के साथ कि उनकी जो बेस होती है क्रैक कर जाती है, ग्रे हो जाती है, फट जाती है। सो इसका रीज़न क्या होता है मैं आपके साथ शेयर कर। तो सबसे पहले मैंने वकाली का एलोवेरा जेल अपने फेस पे अच्छी तरह से लगा लिया है। आप भी इसी तरह से एलोवेरा एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा बहुत ही ज़बरदस्त सा प्राइमर होता है, आपकी स्किन के लिए ऑल टाइप स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एंड उसके बाद मैंने लेंस अप्लाई कर लिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लेंस लगाएं या नहीं। एंड उसके बाद मिजाब आर्ट की ये अफोर्डेबल बेस मैं शेयर कर रही हूँ। ये जो बेस है काफ़ी सॉफ्ट सी होती है, ये आप देख सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, यानी कि मार्केट में इजली 250 की मिल जाती है, यानी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में होती है। इसकी जो क्वान्टिटी काफ़ी होती है। इस बेस की हेल्प से आप डिफरेंट टाइप के मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। ये जो बेस है ब्राइडल लाइट बेस कहा जाता है इसको, लेकिन आप इसको पार्टी मेकअप के भी लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी कवरेज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, ये जो अगर आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह लाइट वगैरह तो उसको अच्छी तरह से ये कवर कर देती है। एंड इसके अलावा जो टीनेजर्स होती है उनके लिए भी काफ़ी बेस्ट बेस है, बहुत ही अच्छा तरीके से आपका जो बेस है वो बन जाता है इसके यूज़ करने से। सो इसको मैं आप देख सकते हैं पहले पूरे फेस पे अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से लगा लूँगी, उसके बाद फिर ब्लेंड करूँगी। सबसे पहले मैंने जो एलोवेरा जेल यूज़ किया था प्राइमर के तौर पर, तो इसकी मार्केट में प्राइस 200 to 250 के अंडर आपको मिल जाता है। इतना बड़ा साइज़ होता है, काफ़ी चलता है, यानी थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी होती है तो काफ़ी अफोर्डेबल ये आपको पड़ता है। एंड सेकंड नंबर पे ये जो बेस है काफ़ी ज़्यादा ये भी चलती है, आप इसकी हेल्प से ईजिली कोई सा भी मेकअप क्रिएट कर सकते हैं, तो काफ़ी अफोर्डेबल पड़ती है ये, आपको थोड़ी सी क्वान्टिटी इसकी यूज़ होती है। लेडीज़ के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होते हैं कि क्या अफोर्डेबल जो बेस होती है लॉन्ग लास्टिंग रहती है या नहीं, तो बिल्कुल रह सकती है, लेकिन आपको जो इसका यूज़ है प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं जो मेरे पास क्लाइंट्स भी आती हैं वो हैवी से हैवी फुल कवरेज यूज़ करती होती है, फाउंडेशन या कोई सी भी बेस यूज़ करती है जो स्टिक्स वगैरह होती है, मगर उनका यही मसला होता है, उनकी जो बेस होती है क्रैक कर जाती है, ग्रे हो जाती है। तो देखें, अगर आप महंगी से महंगी प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं उसका यूज़ सही नहीं आएगा, तो आप महंगी से महंगी भी यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट इसका नेगेटिव मिलेगा। एंड उसके बाद मैं क्रिस्टीन का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी आपको लेनी है पूरे फेस पे अप्लाई करने के बाद, डस्ट आउट कर जाए तो एक्स्ट्रा होता है, वो डस्ट आउट कर लिया करें, या थोड़ी देर बाद रख के भी करेंगे तो कोई इशू नहीं होता। सो जितने भी लूज़ पाउडर होते हैं तो स्किन में आप कोई सा भी मेकअप क्रिएट करते हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर आप लूज़ पाउडर को यूज़ करते हैं तो आपका जो मेकअप है लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वाटर प्रूफ रहता है। सो जो मेरी बेस थी वो डन हो चुकी है, आपने देखा मैंने कोई कंसीलर वगैरह यूज़ नहीं किया, जो बेस था उसी से ही मैंने अपने आईज़ पर अच्छी तरह से कवर कर लिया है। के बाद मैं आई शेडिंग कर रही हूँ। आई शेडिंग के लिए हुदा ब्यूटी का स्मॉल पैलेट लिया है मैंने, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, यानी 200 to 250 के अंडर आपको मिल जाता है। इसके जो शेड है ब्यूटीफुल से शेड है, मगर जो इसकी क्वालिटी है थोड़ी सी लो क्वालिटी है, यानी कि जब आप इसको यूज़ करते हैं पिगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पॉटरी होते हैं तो डस्ट आउट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह के पैलेट आप जब भी यूज़ करें आई शेडिंग करें तो पहले टेप वगैरह लगा लिया करें, ताकि आपको कोई मसला ना हो, या फिर अगर कोई सा लूज़ पाउडर अप्लाई कर लेते हैं ताकि जो अगर शेड डस्ट आउट भी हो तो उसके ऊपर हो। आई शेडिंग आपने देखा सॉकेट एरिया पे मैंने किया है, आउटर कॉर्नर तक, इनर कॉर्नर तक। उसके बाद मैं फिर यही जो बेस है उसको यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मेरा जो मेन पर्पज़ है बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में मेकअप करके दिखाना है। तो मैं जो ये बेस यूज़ कर रही हूँ कंसीलर के तौर पर यूज़ कर रही हूँ, यानी कि अगर आपके पास कंसीलर वगैरह नहीं है बेस को यूज़ करके भी आप अपना आईज़ मेकअप फुल कम्प्लीट कर सकते हैं। जब आईज़ पे एप्लीकेशन करते हैं ये जो बेस होती है थोड़ा लाइट टाइट अप्लाई होती है, तो आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। फिंगर की हेल्प से अगर यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी अप्लाई हो जाता है, ब्रश की हेल्प से यूज़ करेंगे तो थोड़ी देर लगती है लेकिन एप्लीकेशन हो जाती है।
जिस तरह से कट क्रीज देते हैं इसी तरह से मैं इस बेस के हेल्प से कट क्रीज कर रही हूँ, यानी कि आप कम से कम बजट में किस तरह से मेकअप क्रिएट कर सकते हैं तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्रीज देने के बाद मैं यही लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ जो क्रिस्टीन का मैंने यूज़ किया था, थोड़ा सा इस तरह से डैप डैप करके लगा लेंगे। एंड उसके बाद हुडा ब्यूटी का जो पैलेट है उससे मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। ये जो शेड है काफ़ी अच्छा सा सनसेट शेड है, बहुत ही अच्छा सा लगता है। आपके पास जो भी पैलेट है आप उसकी हेल्प से इजीली इस तरह की आई शेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास इससे एक्सपेंसिव है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वन शेड वाली किट है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो शेड है सनसेट, तो ये मैं इनर कॉर्नर से लेकर थोड़ा सा आईलेट के पास ले जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। एंड लिटिल बिट टेयर डॉट पर भी इसको यूज़ करूँगी। सो कट क्रीज जो मैंने किया था उस पर स्टार्ट पे मैंने सनसेट शेड यूज़ किया है, उसके बाद जो सेकंड पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये पिंकी सा शेड है, बहुत ही अच्छा सा है, लेकिन थोड़ा सा ये डस्ट आउट होते हैं। मगर अगर ये डस्ट आउट भी होते हैं तो कोई इशू नहीं होता, ब्रश की हेल्प से आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। सो वीवर, आप इस तरह से कोई सी भी अफोर्डेबल पैलेट यूज़ करके, कोई सा भी बेस के यूज़ करके अफोर्डेबल प्राइस में कम बजट में मेकअप ईजिली अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं। एंड कोई से भी इवेंट में आप जा सकते हैं इस तरह से मेकअप को क्रिएट करके। किसी को ये नहीं पता होता कि आपने कौन सी प्रोडक्ट यूज़ की है, लेकिन अगर आपका मेकअप अच्छा होता है तो हर कोई कहता है कौन से पार्लर से आपने मेकअप करवाया है। जब आप कहते हैं कि मैंने घर पे ही थोड़े से अफोर्डेबल प्राइस के जो प्रोडक्ट है उससे किया है तो कोई मानता भी नहीं है। सो इस बात से ये आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आप अफोर्डेबल प्राइस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं या फिर एक्सपेंसिव होते हैं उसका मसला नहीं होता, आपको यूज़ अच्छा करना आना चाहिए। अगर आपको यूज़ अच्छा नहीं आता, जैसे बिरयानी अगर आप अच्छी नहीं बना पाते या फिर अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे राइस लेकर आते हैं और आपकी जो बिरयानी वो ख़राब हो जाती है, राइस गीले हो जाते हैं, मसाला ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह से गलती बिरयानी की नहीं होती। यानी कि अगर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी लाते हैं यानी कि कोई सी भी फाउंडेशन वगैरह, तो उसकी गलती नहीं होती, गलती आपकी ही होती है, क्योंकि यूज़ आपको प्रॉपर तरीके से नहीं आता तो फिर इस तरह से आपको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। सो आपने देखा अंडर आई पे भी सेम मैंने वही शेड यूज़ कर लिया है जो मैंने आईज़ के ऊपर किया था। उसके बाद मैं डस्ट यूज़ कर रही हूँ, ये फेजिट की डस्ट है। फेजिट के जो डस्ट होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, मगर एप्लीकेशन के टाइम जो इसका कलर होता है थोड़ा सा ये कलर आपके फिंगर पे छोड़ते हैं, मगर इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। ये जो डस्ट है ये मैंने फिंगर से लेके इस तरह से अपनी आईज़ के ऊपर, आईलिड है उसके ऊपर अप्लाई कर लिया है, और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा ये शेड लगता है। दोनों आईज़ में आप डिफरेंस देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगता है, बहुत ही अच्छी सी आपकी आईज़ लगती है, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ही आपको मिल जाता है डस्ट, यानी कि 150 में काफ़ी अफोर्डेबल होता है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। यानी कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आप मेकअप ईजिली इससे कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं इसी पैलेट से कंटूर कर रही हूँ, फेस कंटूर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। यानी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आप मेकअप ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ आपको टेक्निक यूज़ करनी होती है। सो मैंने कोई भी कंटूर पैलेट नहीं लिया है, ये जो मेरे पास आई शेड किट थी इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। ये जो किट होती है पाउडर फॉर्म पे होती है, तो इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप आई शेड के लिए ही यूज़ करें या फिर कंटूर के लिए यूज़ करें, बस जो शेड होता है वो आपको देखना होता है स्किन के मैच से जो शेड होता है, एंड इसके अलावा जो कंटूर शेड होता है ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर। फेस कंटूरिंग जो होती है आपके मेकअप में मेन इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करती है। अगर आप फेस कंटूर नहीं करते तो आपका जो फेस है वो हैवी लगता है, अजीब सा लगता है। अगर आप फेस कंटूर कर लेते हैं तो आपके जो फीचर्स है इन्हेंस हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके पास ब्रशेज वगैरह नहीं है तो फिंगर के हेल्प से भी आप फेस को कंटूर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा कंटूर हो जाता है, ब्लेंडिंग भी प्रॉपर होती है। सो मैंने लैशेज़ अप्लाई कर ली है, आप अपने फेस के हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से लैशेज़ को यूज़ कर सकते हैं। पार्टी मेकअप पे ज़्यादातर 5 नंबर यूज़ किया जाता है, 0.5 नंबर अगर आप हैवी चाहते हैं 3D लैश तो भी यूज़ कर सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कौन सी यूज़ करें। सो फेस पे जितने भी कंट्रोल शेड लगाते हैं फिंगर की हेल्प से जब आप ब्लेंड करते हैं तो प्रॉपर ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि आपकी जो फिंगर पे हीट निकल रही होती है उसकी वजह से ब्लेंडिंग प्रोसेस बहुत अच्छा सा होता है। यानी कि अगर आपके पास ब्रशेज वगैरह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स मेरे पास ऐसी आती हैं जो कि उनके पास पैलेट्स वगैरह सब होते हैं लेकिन ब्रश वगैरह नहीं होते जिसकी हेल्प से वो मेकअप वगैरह क्रिएट नहीं कर सकती, तो आप फिंगर के हेल्प से भी कोई सा भी आईज़ मेकअप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी फेस कंट्रोल कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं जो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ मिस याहू का यूज़ कर रही हूँ, इसमें 3 शेड्स होते हैं यानी 3-in-1 ये होता है, एंड इसके अलावा काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको मिल जाता है, ये सिंगल भी मिलता है एंड इसके अलावा 3 शेड्स में भी मिल जाता है। अगर आप इस तरह के पैलेट बाय करते हैं तो आप इसको आई शेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हाईलाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हाईलाइट भी आपका फेस अच्छी तरह से हो जाता है, आई शेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके जो सिंगल शेड होते हैं 150 के अंडर आपको मिल जाते हैं, कहीं पे 100 का भी मिलता है, एंड इसके अलावा जो 3-in-1 होता है 350-400 के अंडर आपको मिल जाता है, एंड इसको भी आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा इसकी क्वान्टिटी यूज़ नहीं होती।
फेस हाईलाइट यूज़ करने के बाद मैं ग्लैमर फेस की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ब्रॉ पेंसिल। ये जो पेंसिल का शेड है ब्राउन कलर की होती है, डार्क ब्राउन शेड होता है, लिटिल बिट कॉपरी सी शेड पेंसिल होती है। बहुत ही अच्छी सी लगती है जब आप इससे अपनी आईब्रोज को फिलअप करते हैं तो काफ़ी अच्छी सी आपकी आईब्रो फिलअप हो जाती है। एंड ग्लैमर फेस की जो पेंसिल है 50-70 रुपीज़ के अंडर आपको मार्केट से इजली मिल जाती है, काफ़ी अफोर्डेबल होती है एंड इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी हो सकती है। सो आईब्रो का शेप आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको राउंड पसंद है तो राउंड करें, अगर आर्च पसंद है आर्च करें, 3D पसंद है 3D करें। नाउअडेज जो आईब्रोज चल रही है थोड़ी थिक चल रही है, इतनी कोई लाइट पसंद नहीं करता, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लाइट करवाएं या हैवी करवाएं। जब आपको अपनी आईब्रोज थोड़ी सी डार्क सी लगे तो इस तरह के आप पफ लेके इस तरह से थोड़ा सा डैप डैप करके इसको कर लिया करें ताकि जो आपकी आईब्रोज है वो लाइट लगे। एंड उसके बाद मैं न्यूड का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं इनर कॉर्नर पे इसकी एप्लीकेशन करूँगी, बिल्कुल थिन एप्लीकेशन करनी है। ये जो लाइनर है जेल लाइनर है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड इसके अलावा ये 2-in-1 है। अगर आप इसको सिंगल यूज़ करेंगे तो सिंगल भी इजीली मार्केट से मिल जाता है, 150 के अंडर आपको कोई सा भी जेल लाइनर मिल जाता है जो कि अच्छा भी होता है, वाटरप्रूफ भी होता है। मगर समटाइम ऐसा होता है कुछ ऐसे लाइनर्स होते हैं जो सस्ते तो मिल जाते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अगर आप लाइनर का रिस्क लेना चाहते भी हैं तो आप एक बार बाय करें, अच्छा बाय करें, यानी 450 के अंडर आपको बहुत ही ज़बरदस्त से लाइनर मिल जाते हैं जो अच्छे भी रहते हैं, रिजल्ट भी अच्छा रहता है। सो ये जो लाइनर है ये भी अच्छा है, अफोर्डेबल इतना नहीं है लेकिन अगर एक बार आप इसको बाय कर लेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है। सो एक लाइनर मैंने ऊपर ड्रॉ कर लिया है, उसके बाद मैं सेकंड लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं क्रिएट करूँगी। सो जो सेकंड लाइनर आप क्रिएट करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप थोड़ा थिक करें या थिन करें, लेकिन अगर थोड़ा थिन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड इसके अलावा जब सेकंड लाइनर ड्रॉ करेंगे तो कोशिश करें जो ऊपर आपने लाइनर क्रिएट किया हुआ है उससे इसकी जो लाइन है मैच ना हो। आउटर कॉर्नर पे लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इनर कॉर्नर पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जेल लाइनर की हेल्प से। एंड उसके बाद मैं हुदा ब्यूटी का जो पैलेट मैंने यूज़ किया था पहले सॉकेट एरिया पे जो शेड लगाया था वही शेड मैं नीचे अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं लाइनर को आप इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं, इसके अलावा अगर ये शेड यूज़ कर लेते हैं तो जो आपकी आईज़ है इतनी हैवी नहीं लगती। एंड उसके बाद मैं लिक्विड ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं लेकिन लिक्विड ग्लिटर जो होते हैं वो इस तरह से फिलअप आप इजीली कर सकते हैं। मैंने जो यूज़ किया है वाइट कलर की किया है, आप सिल्वर भी यूज़ कर सकते हैं, गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। एंड उसके बाद मैक की लिपस्टिक मैंने यूज़ की है, रेड कलर की यूज़ की है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मैंने जो ब्रो बोन पे शेड यूज़ करा है जो हाइलाइटर था उसी का मैंने जो शेड है ये थोड़ा सा पिंकी सा होता है, बहुत ही अच्छा सा होता है, इतना हैवी पिंकी नहीं होता है। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट से आपका जो लुक होता है लगता है। सो फ्रेंड्स मेरा जो मेकअप है डन हो चुका है और आप देख सकते हैं इतना हैवी नहीं लगता, आप अफोर्डेबल चीज़ों से भी अपना मेकअप बहुत अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफ़िज़।